लगातार मध्य प्रदेश में निवेश के एक के बाद एक नए नवाचार किए जा रहे हैं और अब ऐसे में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं बेंगलोर और आज बेंगलोर दौरे का मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री ने पौधा भी रोपा, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति भी दी, दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की गई और ये तस्वीरें निवेशकों के साथ चर्चा शुरू होने वाली है। मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, ये बेंगलुरु से लाइव तस्वीरें हैं। निवेशकों किस तरह से गति दी जाए, निवेशकों किस तरह से बढ़ावा दिया जाए मध्य प्रदेश में, निवेशकों को कैसे मध्य प्रदेश के लिए प्रेरित किया जाए कि मध्य प्रदेश में भी आए और निवेश करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री का बेंगलुरु दौरा है। सक्रिय सरकार और सहायक नीतियों के साथ मध्य प्रदेश विभिन्न उद्योगों का केंद्र बन चुका है। इनमें से प्रमुख टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, आईटी, ऑटोमोटिव, एग्री प्रोसेसिंग और डिफेंस जैसे सेक्टर उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर रहे हैं। टुडेज सेशन एम्स टू हाईलाइट दीज अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड अस अ प्लेटफॉर्म फॉर मीनिंगफुल डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशंस। वी हैव विद अस एस्टीम्ड स्पीकर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स हु विल शेयर देयर वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस। राज्य सरकार व्यापार वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो, आकर्षक प्रोत्साहन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी योजनाएं इस दिशा में अहम कदम है। मध्य प्रदेश ऑल्सो हैज नो डर्थ ऑफ टैलेंट, स्किल्ड मैन पावर इज द नीड फॉर एवरी इंडस्ट्री। इंदौर इज द ओनली सिटी इन द कंट्री टू हैव बोथ एन IIT एंड एन IIM, एंड IIM इंदौर consistently ranks amongst the top 5-6 management institutes of the country. मैं यहां मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करना चाहता हूं। मैं इंदौर में एक छोटी सी आईटी कंपनी चलाता हूं, इन्फोबीन्स। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इकोसिस्टम आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा वो देश में। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और बेंगलोर में है सीएम मोहन यादव और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर ये चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री। और उन्होंने कहा कि आप ऑफिस इंदौर में एक आईटी पार्क है जिसका नाम है क्रिस्टल आईटी पार्क, वहां खोले। मैं थोड़ा हिचकिचाया भी ऑनेस्टली कि एक आईटी पार्क में, जो सरकारी आईटी पार्क है उसमें मैं कैसे खोलूंगा और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत मानिए, हुआ उसका ठीक उल्टा। उन्होंने, अफसरों ने मुझे कहा कि आप आइए, आपको जो चाहिए हम प्रदान करेंगे। एंड विद इन 3 months माय ऑफिस वाज सेट अप विद ऑल क्लियरेंसेस एंड एवरीथिंग वाज डन। और ये मेरे साथ हुआ है, मैं कोई सुनी सुनाई खबरें आपको नहीं दे रहा हूं। मैं आपको पर्सनल इन्विटेशन देता हूं, प्लीज कम एंड विजिट क्रिस्टल आईटी पार्क इन इंदौर विच इज ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ MP। उसका जो मेंटेनेंस है, रखरखाव है, आज 10 साल पूरे हो चुके हैं और अभी भी इट इज स्पैंकिंग न्यू, एब्सोल्युटली क्लीन, और किसी भी बैंगलोर या हैदराबाद के आईटी पार्क के समकक्ष खड़ा हो सकता है एट 1/3 द कॉस्ट एंड 0 ट्रैफिक, अनलाइक बैंगलोर। ट्रैफिक एक शायद एक कॉमन थ्रेड है जो बैंगलोरियंस को बांधता है। इंदौर में जो कॉमन थ्रेड है वो है खाना, फूड, जो हम सबको बांधता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, उसी सिलसिले में बैंगलोर भी आए हैं, कोयम्बटूर गए हैं, बॉम्बे गए हैं, आगे और भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा उन्होंने एक कर रखा है। आपके मार्गदर्शन से और आपके प्रयासों से अल्प समय में ही प्रदेश तेज प्रगति कर रहा है और हर क्षेत्र में अपना नाम कर रहा है। आपके रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस करने का जो पहल है उससे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, अ वेरी वार्म वेलकम। आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कम एंड इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का दिल ही नहीं, धड़कन भी है। मेरा दावा है आप सिर्फ एक बार मेहमान बनकर आएंगे और जब दोबारा आएंगे तो आपको घर जैसा लगने लगेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।
धन्यवाद सिद्धार्थ सर. Of course, ladies and gentlemen, he has already given us certain pointers on why should we invest in Madhya Pradesh. But like they say, a picture is worth a thousand words. There is so much that we want to tell you about Madhya Pradesh. So we thought, why not we showcase it for you? So could we have the video, please? India, on track to become the world's third largest economy, with GDP crossing $5 trillion under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, aspires to reach its goal of becoming a $30 trillion economy by 2047. The state of Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Vikasit Bharat by 2047, while also accomplishing Chief Minister's vision of Vikasit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life, and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Vikasit Bharat, Vikasit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with regional industry summits in Ujjain, Jabalpur and upcoming summits in Gwalior and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us at the Global Investors Summit Madhya Pradesh on 7th and 8th February at Bhopal. That's right, ladies and gentlemen. Madhya Pradesh, the heart of India, heartbeat brimming with opportunities. All we're asking you to do is come and join us. We invite you to Madhya Pradesh for our Invest Madhya Pradesh Global Investor Summit that is happening on the 7th and 8th of February 2025. ನೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೀತಿರೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ಹಾಗೂ 8 2025 ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. ಐ ವುಡ್ ನೌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, IAS ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್, ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ದ ಡಯಸ್. Good morning to all of you. So I am very happy to welcome all of you in city of Bengaluru, a city which is called Garden City of India. It's a Silicon Valley of India and it's a city of innovation. So welcome from the heart of incredible India, that is our state Madhya Pradesh.
and we belong to the city which is called City of Lakes. Honorable Chief Minister Sir, Honorable Shri Mohandas Pai Sahib, co-founder and partner Erin Capital, Shri Anil Kumar Ji, Chairman Greenco Group, Shri Venkat Ramani Ji, CEO of Lab India, Shri Siddharth Sethi Ji, Vice Chairman CII, my senior colleagues Shri Sanjay Dubey Sir, Shri Sanjay Shukla Sir, Mr. Noni Kotari, and ladies and gentlemen, champions of industries and our friends in media. So I will put forward the case of Madhya Pradesh before you. I am sharing some of the data from our state. Madhya Pradesh has done tremendously well in agriculture. You may be aware, may not be aware, but we are the second largest food grain producer in the country. We are first in terms of organic farming. That means we are working towards sustainable agriculture. We are second largest state in terms of area. We are one of the cleanest state in India. We stood second last time. One of our cities, Pindor, has won this award of cleanest city in India for 6 times. Bhopal, our capital of state, it is treated to be one of the cleanest state capitals in India. And overall, we are second cleanest state in India. We are fourth largest solar energy producer in country. According to population, we have a huge consumer market, so we are fifth in that respect. Next, please. So, there is a kind of competitive environment, industrial infrastructure has been enhanced in Madhya Pradesh. So, we have GIS enabled real-time online land bank information in Madhya Pradesh. We have abundant water supply for industrial needs, more than 1,000 million cubic meter. Only state to have four very important industrial corridors, economic corridors: Delhi-Mumbai industrial corridor, Amritsar-Kolkata industrial corridor, Delhi-Nagpur industrial corridor, east-west corridor. So we are having fantastic level of connectivity and different industrial and expressways run through Madhya Pradesh. We are a power surplus state. We are producing at this point of time around 31 gigawatt of power. We have extensive road network, more than 5.1 lakh kilometers, 2 international and 5 domestic airports, 6 inland container depots in Madhya Pradesh. Next. Why one should go for investment in Madhya Pradesh? So we have more than 1.25 lakh acres of industrial land. We have higher returns, cheaper factors of production of utilities, so that is really beneficial for everyone. We have automatic land use change and faceless nutrition. This is one of the things which no other state has been able to achieve. We have started the phenomena which was started during the regime of Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav Sir, and it was inaugurated, cyber tehsil system was inaugurated by Honorable Prime Minister. So we are rich in minerals, we are highest producer of copper, manganese, diamond and others, and we have a very transparent and customized policy for industries which are beyond 100 crores investment. Next, please. I will say something regarding mineral base in Madhya Pradesh. We are first in copper, manganese and diamond production. We are second in rock phosphate, third in limestone, fourth in coal. Madhya Pradesh has the distinction of being first in mining auctions to exploit our potential, our resources. We have till date auctioned 75 mineral blocks, and we are number one in entire country. We have presence of some of the best miners in the country and in the world. And
In future, we are going to allocate 17 coal blocks in Madhya Pradesh and 24 other major mineral blocks. And these blocks will be in limestone, base metal, aluminous, laterite and bauxite, gold and manganese. Go next, please. Government of India has also supported Madhya Pradesh well, and we have GOI supported parks, medical devices park, PM Mitra park, integrated textile park in Dhar. We have renewable energy and power equipment park at Narmadapuram, leather and footwear park in Morena, two plastic parks in Raisen and Gwalior, multimodal logistic park which is going to come up in Dhar district. Electronic, we have the electronic manufacturing clusters and software technology parks also. Next, please. Madhya Pradesh Chief Minister was previously Higher Education Minister. So we have done well in education, higher education sector. We have many important Government of India and central level institutions in Madhya Pradesh. One Raja Ramannath Center for Advanced Technology of Atomic Energy Department, Advanced Material and Process Research Center, MPRI in Bhopal, Rare Earth and Titanium Theme Park in Bhopal, IIT and IIM in Indore, and MNIT in Bhopal. So we have more than 55 private universities, which is second highest in India. More than 1,287 industrial training institute and 1,373 government and private colleges. We have one of the finest skill parks with the support of Singapore, and global skill park is located in Bhopal in 30 acres. Now, why one should invest in Madhya Pradesh? We have attractive policies. We give around 10% to 40% of investment per, if it is done in plant and machinery. If you are a better employment generator, then you give a kind of multiplier if you generate more employment. If you generate more export, then you get a multiplier for that. And if you go towards the lesser industrialized area, you will get a multiplier for that also. We are also promoting green industrialization persistence for ETPs, STPs and zero liquid discharge. We give infrastructural development assistance, power tariff rebate, reimbursement for patent charges. We also give, as I have suggested, Honorable CM heads Cabinet Committee on Investment Promotion. For mega industrial units, we can give customized package that is beyond our policies. We have a very distinct food processing policy where the support from government is enhanced. Very good textile and garment policy, where I believe that is one of the finest textile garment policy all across the country. We are also one of those pioneer states who have started one scheme called Mukhya Mantri Seekho Kamao Yojana, jahan pe hum students ko based on their educational qualification from 8,000 to 10,000 rupees ka unko hum remuneration dete hain for 12 months. So that is a kind of win-win situation for the industry. Next, please. So we have sector-based policies. IT, ITS, ESDM, data center, IT park, developers for their promotion, there is a policy. Sanjay Dubey sir will go in details of that policy. We have renewable energy policy also. Go next, please. So we have said to be one of the most peace and tranquility kind of a state, where you will find there are no labor-related problems. We have a good skill level system. We have very congenial system in Madhya Pradesh. We are the first state in entire country to adopt a labor case management system. We have 43% of population in working age categories. Negligible zero mandates loss in Madhya Pradesh.
and very, very safe work environment. हमारी बहनें बताएं कभी भी 24 घंटे सातों दिन हमेशा काम कर सकते हैं. सो वी हैव फिनोमिनल सिस्टम. और एक चीज आपको और मैं बताना चाहूंगा कि द काइंड ऑफ रिफॉर्म्स वी हैव डन इन लेबर सेक्टर्स, वी हैव कट डाउन द नंबर ऑफ रजिस्टर्स विच वर सपोज टू बी मेंटेन फ्रॉम 16 टू 1, जस्ट 1. सो वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट लेबर लॉज इन एंटायर कंट्री. गो नेक्स्ट प्लीज. Now, Madhya Pradesh can be an excellent destination for global capability centers and IT/ITES center in India. So, this is a kind of thematic picture which has been taken for Indore, one of the areas. एक मैं जरूर बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि Honorable Chief Minister ने अपने Chief Minister साहब ने अपने आने के बाद हुकुमचंद मिल का एक बहुत बड़ा उन्होंने मिल के मजदूरों का बैंक्स का उनकी पुरानी जो देयताएं थी उनको भी उन्होंने समाप्त किया. उनके उनके जो पुराने ड्यूज थे उसको भी सबको पहुंचाया. और उसी जमीन पर 43 एकर्स पे एमपी हाउसिंग बोर्ड जिसका रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर अभी आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा 43 एकर्स पे वो अपना पूरा कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट लेके आना चाहते हैं. मध्य प्रदेश में लोअर कास्ट ऑफ लिविंग है, दैट इज नोन टू एवरीवन. लो एट्रिशन रेट है एंड वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस. मैं बार बार उसको रिइटरेट नहीं करना चाहता कि ट्रैफिक और इन सब में कितनी ट्रबल्स जो यहाँ आप देख रहे हैं. हम लोग ऑनरेबल सीएम साहब के निर्देश पे वी आर ट्राइंग टू हैव न्यू पॉलिसीज इन ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स एंड गेमिंग सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी. प्लीज सेव द स्टेट. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन भोपाल ऑन 7th and 8th February 2025. फाइनली मैं आपको यही कहूंगा कि दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम. प्लीज कम एंड इन्वेस्ट इन एमपी. एंड As our honorable Prime Minister has once said, यही समय है, सही समय है. धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट यू जस्ट सो वाज द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. सो ऑल वी आस्किंग यू टू डू इज कम एंड इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश. वी हैव अ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट. इट्स हैपनिंग ऑन द 7th एंड 8th ऑफ फेब्रुअरी 2025 इन भोपाल. विद दैट सेट, let's now have a look at the opportunities that are present in IT, ITES, ESDM sector in Madhya Pradesh. So please put your hands together as I would like to invite on the dais Mr. Sanjay Dubey, IAS Principal Secretary, Department of Science and Technology. Unsela jora da chappale undige avrana vedike mele barmarskolana. He's here to tell us about the opportunities in IT, ITES and ESDM sector. A very good morning. नमस्कार. ऑनरेबल सीएम ऑफ मध्य प्रदेश श्री मोहन डॉक्टर मोहन यादव जी, ऑनरेबल गेस्ट ऑन द डायस पर्टिकुलरली मिस्टर मोहनदास पाई जी, गेस्ट ऑफ द डायस, अ वेरी वार्म वेलकम. आई एम हियर टू गिव यू एन आइडिया एज टू व्हाट वी आर डूइंग इन मध्य प्रदेश इनवाइटिंग आईटी, आईटीईएस एंड ईएसडीएम सेक्टर. एज आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू बिलीव इन डेटा and the data says that the next round of growth is going to come not from the tier 1 cities but it's going to be coming from the emerging cities and the tier 2 cities. Next please. We have identified this as one of the major reasons, and if you can see that growth that and the potential that Madhya Pradesh offers you as a decadal growth rate of a GDP is 11%, 43% growth rate in last 3 years, and the sector that we are talking about IT, ITES, the exports have grown multifold. We are exporting about $545 million worth dollars of exports from this IT, ITES sector. We have 7 institutes of national importance and 12 research institutes comprising of national importance.